तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गैलेक्सी स्टोर होता है उसके अंदर एक नया अपडेट आया। नए अपडेट के साथ नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गैलेक्सी स्टोर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसे यहाँ पर नया अपडेट का ऑप्शन मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा तो आपको एक ट्रिक करना है जिससे आपको भी मिल जाएगा। कैसे, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है गैलेक्सी स्टोर में, यहाँ प्रेस करके रखना है। यहाँ पर जाना है इस पे ऐप इन्फो में, यहाँ पर जाएंगे नीचे आपको मिलेगा ऐप डिटेल इंस्टॉल करके ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो ले जाएगा आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे और बता देगा कि एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल आपको दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन का बोल सकते हैं इसका वो जो वर्जन है 6.6.09.62 जिसको 4 फरवरी को रोल आउट किया गया है। धीरे धीरे ये नए नए ये धीरे धीरे फोन्स में आता है, जो कि एस सीरीज जिसमें मतलब प्रीमियम फोन जो उनमें जल्दी आ जाता है, मिड रेंज फोन में थोड़ी देर बाद आता है और उसके बाद नीचे वाले फोन में तो और देर से आता है। भाई मेरे पास ये आज ही आया है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ मोस्टली चेंजेस किए गए, आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे चेंजेस किए गए। तो कर लेते हैं पहले इसको अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नए नए यहाँ पर चेंजेस किए गए। तो उसको होने तो फाइनली दोस्तों ये चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे जो उसका लुक है, यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि भैया ओके हो ये नया हो चुका है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और नीचे आपको भी आ जाएगा अपडेटेड द गैलेक्सी स्टोर और न्यू वर्जन इज अवेलेबल करके दे रहा है, बट ये अपडेट हो चुका है, आपको उसको भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो दोबारा से एक बार रिनोट होगा और नए उस पर ये खुल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर अगर नए ऑफर की जानकारी चाहिए तो टिक कर दी, तो हटा दो। और ये हो चुका है फाइनली अपडेट। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे इसका नया लुक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले अलग लुक आता था, अब यहाँ पर नया लुक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, फीचर और टॉप। पहले आपको यहाँ पर 3 से 4 ऑप्शन दिए जाते थे, बट अब आपको यहाँ पर फीचर और टॉप के ही ऑप्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक नया और ऑप्शन और दिया गया है, टॉप में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल दिया गया है शो इंस्टॉल्ड ऐप। मतलब कि जो यहाँ पर टॉप रेटिंग एप्स होंगी उसमें अगर आपके पास जो भी एप्स इंस्टॉल्ड होंगी तो वो भी आपको बताया, नहीं तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, जो कि आपको नहीं दिखाएगा। जैसा कि गूगल प्ले स्टोर में होता है सेम जैसा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, मतलब कि आपको शॉर्टिंग करने के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे वहाँ पर 5 ऑप्शन मिलते थे, मतलब मेरे पास वॉच है, अगर आपके पास वॉच नहीं होगी तो आपको भी वहाँ पर 4 ही 5 मिलते होंगे। यहाँ पर आपको ऐप मिलता था, एक्सक्लूसिव मिलता था, गैलेक्सी स्टोर मिलता था, सॉरी गेम्स मिलता था, माय गेम्स और माय गैलेक्सी और मेन्यू का ऑप्शन मिलता था। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव वाला ऑप्शन हटा दिया है, यहाँ पर सीधा गेम दे दिया गया है आपको। यहाँ पर एक्सक्लूसिव वाला ऑप्शन यहाँ पर हटा दिया गया है, उसमें जो भी सैमसंग रिलेटेड चीज़ होती थी या फिर जो भी आपके सैमसंग में सपोर्ट होते वो दिखाता था वो यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर आपको सीधा गेमिंग का ऑप्शन दे दिया गया है, तो गेमिंग में यहाँ पर जो भी इसका व्यू है बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर अगर ऐप में आएंगे, ऐप में आके अगर इसका व्यू देखेंगे तो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है, जो पहले था उससे क्वाइट यहाँ पर डिफरेंट को दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ माय गैलेक्सी में जाएंगे तो गैलेक्सी की थीम्स आपको बताएगा जो कि पहले भी आती थी। यहाँ मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन दे दिया गया है। मेन्यू में क्या है, पहले यहाँ पर आपको सेटिंग के बगल में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता था, बट अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको प्रोफाइल में जाना है तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना होगा, फिर आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल में जा सकते हैं, तो ही आप प्रोफाइल में जा सकते हैं, नहीं तो पहले वहां से वो हटा दिया गया है। तो ये यहाँ पर नया चेंजेस किया गया है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ नीचे की तरफ करेंगे तो आपको यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर सेटिंग का ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, बट पहले वाले में क्या होता था, सिर्फ वो इतना ही रहता था, अगर आप नीचे भी करते थे तो वो नीचे नहीं होता था। अब यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है जो कि 1UI 5.0 का फीचर है, अब आपको वो यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता था यहाँ पर new downloaded apps in app home screen, अब वो यहाँ से हटा दिया गया। आप देखेंगे वो यहाँ से हटा दिया गया, पहले वो यहाँ पर आपको फीचर मिलता था, अब यहाँ से हटा दिया है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली होम स्क्रीन पर ही मिल जाता है, वहां से भी उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 नए फीचर और मिल रहे होंगे, एड प्राइवेसी सेटिंग और एड्स प्राइवेसी नोटिस। यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके पास एड्स आती हैं अगर आप नहीं चाहते
तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दें और वो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑल पे कर दें तो वो नहीं आएगी, और उसका प्राइवेसी नोटिस चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। ये तो फालतू के फीचर्स है, कोई काम का नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे बैक की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी आपको नए चेंजेस मिल रहे होंगे, जैसा कि पहले आपको वहाँ पर तीन ही ऑप्शन मिलते थे, माय एप्स, अपडेट्स और विश लिस्ट वाला। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोडिंग वाला। जैसे ही आप डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लेटेस्ट ऐप अभी डाउनलोडिंग हो रही होगी या फिर अभी इंस्टॉल हो रही होगी, कैसे बताता हूँ, लाइक मैं अपडेट पे आया और अपडेट पे आने के बाद मैंने कोई भी ऐप को अपडेट के लिए क्लिक किया, जैसे मैंने एक ऐप पे आया और उसको अपडेट कर रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पर बता भी रहा है कि भैया ये डाउनलोडिंग हो रही है, तो करेंट डाउनलोडिंग आपको वो वहाँ पर बताने वाला है। दोस्तों यही कुछ नए अपडेट्स हैं जो कि गैलेक्सी स्टोर में अपडेट हुए हैं, नए नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं आफ्टर अपडेट्स के बाद। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।